दिनों से चर्चाएं गर्म थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है। झारखंड की दो सीटों में से एक सीट पर उनका नाम सामने आ रहा था और कहा जा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उनके पास अहम वजहें थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पात्रा राज्यसभा नहीं जाएंगे, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अब संबित पात्रा आपको फिर से एक प्रवक्ता के तौर पर दिखेंगे और एक बार फिर से अब वो प्रवक्ता के तौर पर भी दिखाई दिए और लगता है कि उन्हें सांसद ना बनने का कोई मलाल नहीं है। तभी तो वो फिर से एक टीवी डिबेट शो का हिस्सा बने हैं। इस डिबेट शो में उन्होंने तेवर दिखाते हुए मौलाना को खरी खोटी सुना दी। दरअसल एक जाने माने न्यूज चैनल पर बीजेपी प्रवक्ता और AIMIM प्रवक्ता असीम वकार के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ये टकरार इस कदर बढ़ गई कि बीजेपी प्रवक्ता ने असीम वकार को जिहादी तक कह डाला। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।